सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरी बात, उसको एक नाम और फिजिक्स के टीचर देते हैं आजकल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ही मान्यता रद्द कर दी गई है, उसका रिकॉग्निशन खत्म कर दिया गया है। आजकल फिजिसिस्ट बोलते हैं देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम इन विच द पार्टिकल इज मूविंग। वो फ्रेम के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपने क्या फोर्स बोलने लगे हैं, जूई, अपन उसको नहीं, उसको बोलते हैं अपन आजकल स्यूडो फोर्स। क्या बोलते हैं? स्यूडो फोर्स, याद आ गया। स्यूडो फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक्चुअली है नहीं, वो जो फ्रेम के अंदर पार्टिकल है वही फील कर रहा है, उसको अपन फील नहीं कर रहे। जैसा लोग कहते हैं कि अगर अपन खड़े हैं और पत्थर फेंके तो प्रोजेक्टाइल मोशन है कुछ, तो अपन उसका रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मैंने ऐसे एंगल पे फेंका तो यहां जाके गिरेगा, ठीक है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक, ओके, याद है मतलब मुझे, एनीवे। लेकिन अगर आप चलती कार में से या ट्रेन में से वो पत्थर फेंकोगे तो क्या उसका मोशन प्रिडिक्ट कर सकते हो इस फॉर्मूले से? नहीं कर सकते, क्योंकि उसका इनर्शियल फ्रेम अलग है। अपन खड़े हैं तो अपना इनर्शियल फ्रेम अलग है, जो अर्थ के बाहर है उसके लिए अपन क्या है, फ्रेम से बाहर है, और अपन खुद है तो अपन फ्रेम में, और जो कार में है वो अलग फ्रेम में। तो जो कार में है वो अलग फ्रेम है, मैं बाहर हूं तो मैं अलग फ्रेम हूं, कोई अर्थ के बाहर खड़ा है तो उसके लिए मैं भी अलग फ्रेम हूं और वो कार वाला भी अलग फ्रेम है। इसलिए अगर हम फील नहीं कर रहे कार वाले के फोर्स को तो वो हमारे लिए कैसा फोर्स हो गया? स्यूडो फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स हो गया? इसलिए ये जो आउटवर्ड फोर्स लग रहा है उसको आजकल क्या बोलते हैं? स्यूडो फोर्स। मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे ऐसे ही बातें कर रहा था ये बताने के लिए। क्या हो गया हाथ जोर से? तो वो लाओ ना कम, वो प्रकार। पेन से क्या होगा? पेन से कुछ नहीं होगा। बात ये कर रहा हूं कि इस इलेक्ट्रॉन पे अपन सिर्फ दो फोर्सेस मानेंगे। क्या क्या? एक तो कूलम्बिक फोर्स और दूसरा जो आउटवर्ड फोर्स लग रहा है स्यूडो फोर्स, ठीक है। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको अपन फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं? एमवी स्क्वायर बाय आर। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे कूलम्बिक अट्रैक्शन को? कूलम्स लॉ क्या था? क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, चार्ज ऑफ दिस और इंटू चार्ज ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दोनों का क्या डिस्टेंस। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ई वन यहां का चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम है, साइन अलग है बस। तो जी कितने प्रोटॉन्स है मेरे पास? जी, उसका चार्ज तो ई के बराबर ही है, इंटू इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो जी क्या हो गया? ई स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू वन क्यू टू बाय क्या होता है? आर स्क्वायर। और इसमें एक चीज मिसिंग है, क्या बताओ? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। क्यू वन मतलब प्रोटॉन का चार्ज, और कितने प्रोटॉन है? जी के बराबर, तो जी इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम है, इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो जी इंटू क्या हो गया? ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक चीज है मिसिंग, क्या बोलो? अरे यार तुमने पढ़ा होगा यार, ऐसा मत करो, चार्ज अभी नहीं होता ना, ट्वेल्थ में होता है, तो क्या मैं तुम्हारी बात मान लूं कि तुमने इतना भी नहीं पढ़ा होगा? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक क्या लगाएंगे? कॉन्स्टेंट लगाएंगे ना, तो वो कॉन्स्टेंट लिख लो के जी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इतनी चीजें लिख लो पहले तो, ये स्यूडो फोर्स जो आउटवर्ड है, आउटवर्ड जरूर लिख लेना, वो कैसे डिफाइन हो रहा है? एमवी स्क्वायर बाय आर से। और जो इनवर्ड फोर्स है कूलम्बिक अट्रैक्शन में, ये जरूर लिख लेना कि ये कैसा है, इनवर्ड से, इनवर्ड फोर्स। तो कूलम्बिक अट्रैक्शन इज इनवर्ड, स्यूडो फोर्स और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज आउटवर्ड। तो के इंटू जीई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक चार्ज मैंने यहां रखा है, एक चार्ज मैंने यहां रखा है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है? सपोज आर, ठीक है, इन दोनों के बीच में मीडियम में पहले मैंने एयर रखी है, ठीक है, फिर बदल के वाटर लगा दिया, फिर बदल के मैंने कोई तीसरा मीडियम इसमें भर दिया, तो क्या इनके उसमें फर्क आएगा? आएगा, एयर है तो अलग मीडियम है, कोई और विस्कस लिक्विड अगर होगा, जैसे दो मैग्नेट,
इसके बीच में अगर मैं वुड रख दूं, लकड़ी का टुकड़ा रख दूं, तो इनके अट्रैक्शन में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो जो भी दो हमारे पास चार्जेस है उनका अगर मैं मीडियम चेंज करता हूं तो उनके अट्रैक्शन में क्या आएगा? फर्क आएगा। और वो कितना फर्क आएगा वही हम किससे डिफाइन करते हैं? के से, क्योंकि यहां तो सिर्फ चार्जेस ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं? डिस्टेंस। तो ये के क्या बता रहा है हमें? मीडियम में कौन है? ठीक है, तो के का नाम लिख लेना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मेरे ख्याल से अगर तुमने 11th में नहीं पढ़ा होगा तो 12th में जरूर पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि मैं यहां समझा सका कि मीडियम का क्या फर्क है। तो के किस लिए लगाते हैं? कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग अट्रैक्शंस का वैल्यू होगी, इसलिए अपन के लेते हैं। ठीक, अब इस मॉडल में अपने को क्या दिख रहा है? एक शेल दिख रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और उसका हम एंगुलर मोमेंटम बोल रहे हैं कि क्या है? फिक्स है। अगर ये सब हम ले रहे हैं एजम्पशंस, तो ये एजम्पशंस किसको कोइंसाइड कर रहे हैं? बोर्स मॉडल को कोइंसाइड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है? अपनी शेल में घूम रहा है। जब तक अपनी शेल में घूम रहा है उसकी एनर्जी क्या है? फिक्स है। उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? फिक्स है। अब हम आगे क्या बात कर रहे हैं कि उस पर दो तरीके का फोर्स लग रहा होगा, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, और हर पॉइंट पे यही दोनों फोर्स लग रहे होंगे। इसीलिए इसका मोशन, अगर ये पत्थर का एग्जांपल लें तो क्या आता है? टेंजेंशियल आता है। तो हर पॉइंट पे यहां पे दोनों तरफ किसी भी शेल में, मतलब यहां पे एक इनवर्ड फोर्स लग रहा होगा और एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा होगा, तो इस थ्रू आउट द पाथ इस पे क्या है? फोर्स फिक्स्ड है, इसलिए इसकी एनर्जी फिक्स्ड है। इसलिए हर पॉइंट पे इस पाथ के उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स है। फिक्स है तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जितना इनवर्ड फोर्स है उतना ही एग्जैक्टली क्या है? आउटवर्ड फोर्स है। इसलिए ना वो अंदर आ रहा है और ना वो बाहर जा रहा है, इसलिए उसका ऑर्बिटल जो पाथ है वो क्या है? फिक्स्ड है, क्योंकि हर पॉइंट पे जितना इनवर्ड फोर्स है उतना ही आउटवर्ड फोर्स है। तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? के इंटू जी ई स्क्वायर, जी क्या है? एटॉमिक नंबर, बार बार याद दिला रहा हूं, बाय आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्या? एम वी स्क्वायर बाय आर। दोनों को क्या कर दिया? सेम। क्योंकि क्या होना चाहिए? इनवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू क्या? आउटवर्ड फोर्स। किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारी जरा और इस पे आऊंगा, मोमेंटम मोमेंटम पे जरा चेकिंग, क्योंकि ठीक है अभी तुमने अट्रैक्ट, ये कूलंबिक फोर्स नहीं पढ़ा, चार्ज नहीं पढ़े, लेकिन ये सब तो पढ़ ही लिया। ठीक है, तब इसमें से हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी चाहते हैं, क्या है? तो यहां से आर और आर क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। आर और आर कैंसिल आउट हो गया, तो हमें अगर वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या बोलेंगे? वी स्क्वायर इक्वल्स टू के जी ई स्क्वायर बाय क्या? एम आर। तो वी स्क्वायर की पहले तो ये एक इक्वेशन बना लो कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास? के जी ई स्क्वायर बाय एम आर, के जी ई स्क्वायर बाय एम आर, के जी ई स्क्वायर बाय एम आर। ठीक है, फिर इसमें लिखना बाय बोर्स मॉडल, एंड मेक इट श्योर कि बोर्स का भी हमेशा कैपिटल लिखो, बड़ा आदमी था वो, है ना? गॉड का जी और बड़े आदमी का पहला लेटर हमेशा क्या रहता है? कैपिटल रहता है। तो प्लीज डोंट मेक इट स्मॉल बी। ठीक, तो बाय बोर्स मॉडल, तुमने मेरी शीट में लिखा होगा, देखा होगा क्या लिखा रहता है? स्मॉल बी। कभी नोटिस किया है क्या? साइंस कब तक पढ़ोगे? इधर उधर भी फालतू चीजें भी देखा करो। किसने नोटिस, सबने नोटिस किया है आदित्य को छोड़ के, ये बी क्यों है छोटा? क्योंकि किसी बड़े आदमी का नाम थोड़ी भाई, हमेशा गॉड का जी और बड़े आदमी के नाम का बी, या कोई भी जिससे शुरू होता है वो बड़ा होना चाहिए। तो सिर्फ गॉड का जी में अपन विश्वास करते हैं, बाकी सब उससे क्या है? छोटे हैं। इसलिए नाम में कभी अपना कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करता हूं, ऐसे ही फिलॉसफी। तो क्या लिख रहे हैं? बाय बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में अपन क्या बोल रहे थे? एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाय टू पाई। ठीक है, तब हमारे पास यहां पे वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन एच बाय टू पाई। एम और आर को नीचे ले आए तो एम और आर, तो यहां से हमारे पास वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और
किसका स्क्वायर? 4 और पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। आर को ऐसा लिख दूं क्या तो तुम्हें आर दिखता है क्या कि एन दिखता है? एन दिखता है तो मैं ऐसा लिख लेता हूं आर 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 और कहां है ऊपर तो ऐसे ही लिखा है तो आर। तो यहां से मेरे पास वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई? एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तब ये मेरे पास मैं वी स्क्वायर की दूसरी वैल्यू मानता हूं। अब एक वैल्यू मैंने कहां से निकाली है? ये इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स करके, जो कि मुझे कौन बताता है? फिजिक्स बताता है किसी भी पार्टिकल के लिए। ये इलेक्ट्रॉन के लिए बात नहीं हुई, वो तो बाई चांस हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हर किसी पार्टिकल के लिए जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला ट्रू है? चार्ज के लिए जो किसी से अट्रैक्ट हो रहा है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू के जी स्क्वायर बाय एम आर। और यहां से बोर्स मॉडल से भी हम क्या निकाल सकते हैं? वी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों किसकी वैल्यू है? वी स्क्वायर की है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां लिख लो बाय इक्वेटिंग 1 एंड 2 के जी स्क्वायर बाय एम आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां से एम और एक एम कैंसिल हो गया, यहां से आर और एक आर कैंसिल हो गया। और कुछ है क्या कैंसिल होने लायक? कुछ और चीज है? नहीं है। तो अगर मैं आर को इधर ले आऊं तो आर मेरे पास क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय के जी ई स्क्वायर, और इससे पहले क्या है? 4 पाय स्क्वायर एम। ये मेरे पास किसकी वैल्यू हो गई? रेडियस। किसके रेडियस की? इलेक्ट्रॉन के रेडियस। किसका रेडियस है? ये डिस्टेंस है ना आर, तो यही तो पहली शेल का। अगर ये पहली शेल है तो ये इसका क्या हो गया? रेडियस हो गया। न्यूक्लियस से डिस्टेंस ही पहली शेल का क्या हो गया? रेडियस हो गया। तो मेरे पास रेडियस की वैल्यू क्या हुई? अगर मैं एन इक्वल्स टू 1 रखता हूं मतलब पहला शेल का रेडियस आ जाएगा, 2 रखता हूं तो दूसरे शेल का, 3 रखता हूं तो तीसरे शेल का। जिस शेल का रेडियस चाहिए हो इस फॉर्मूले में लगाओ और रेडियस निकालो। अब इसमें से देखना एच कौन है? प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट है वो एक अलग बात है, मगर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एच एक क्या है? कांस्टेंट। 4 क्या है? कांस्टेंट। पाई क्या है? कांस्टेंट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? कांस्टेंट। के क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि वो कौन है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। हर मीडियम की एक पर्टिकुलर क्या होती है? परमिटिविटी। तो वो एक क्या है? कांस्टेंट। फिर जी हमारे पास कौन है? एटॉमिक नंबर। अब मेरे पास अगर हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम है तो, हीलियम है तो 2 है, लिथियम है तो 3 है, बेरिलियम है तो 4 है, बोरॉन है तो 5 है। इसका मतलब मैं किसी भी एटम के जी की वैल्यू बदलता जाऊंगा तो एटम बदलते जाएंगे, क्योंकि एटम किससे कैरेक्टराइज होते हैं? एटॉमिक नंबर से। कभी भी मुझे दिया एटॉमिक नंबर 1 है, बताओ कौन? तो तुम सिवाय हाइड्रोजन के बोल सकते हो? नहीं। अगर तुमसे बोले एटॉमिक नंबर 15 है, जिसकी वैल्यू है, बताओ कौन? फॉस्फोरस। तो हर एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? एटॉमिक नंबर। मतलब अगर तुम किसी भी एलिमेंट का जैसे जी रखोगे तो वो एलिमेंट डिफाइन हो जाएगा कि कौन है। उस एलिमेंट के किसी भी शेल का रेडियस निकाल सकते हो, समझे? यहां पे रख दो जी इक्वल्स टू 3, मतलब किसकी बात शुरू हो गई? लिथियम की। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, अभी भी शुरू से करना पड़ता है ना अपने को कि नहीं करना पड़ता? अच्छा बताओ 17 किसका है, 32 किसका है? शुरू से फिर करना पड़ेगा उसके लिए। जर्मेनियम का 36 किसका है, क्रिप्टॉन का 35 किसका है, ब्रोमीन का? ऐसे पूरा शुरू से नहीं, रैंडमली याद होने चाहिए, ठीक है? एनीवे, अगर मैंने यहां जी इक्वल्स टू 3 रख दिया मतलब बात हो गई किसकी? लिथियम की। और एन इक्वल्स टू 2 रख दिया मतलब कौन सी शेल की? सेकंड शेल की। तो मैं लिथियम का सेकंड शेल का रेडियस निकाल सकता हूं कि नहीं इस फॉर्मूले से बोले? क्योंकि बाकी पूरी कहानी तो क्या है? कॉन्स्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कॉन्स्टेंट, मास कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, 4 कॉन्स्टेंट, एच
समझ में आ गई बात। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि पूरी इतनी कहानी का, अरे जी को छोड़ना है, इस पूरी कहानी की वैल्यू अलग से निकाल लूं और एन स्क्वायर बाय क्या इंटू जी कर दूं, तो मुझे दुनिया का कोई एलिमेंट दो, कोई शेल दो, मैं उसका क्या निकाल के बता दूंगा, किस फॉर्मूले से मैं क्या निकाल के बता दूंगा, मतलब तुम भी निकाल के बता दोगे क्योंकि तुम्हें भी फॉर्मूला मालूम है। तो काम की बात यह है कि अपन इस कहानी से क्या कैलकुलेट करने में सफल हो गए, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेडियस ऑफ शेल इन एनी एलिमेंट इन एनी शेल, किसी भी एलिमेंट के किसी भी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस शेल का अपन क्या निकाल सकते हैं, रेडियस। तो सब ये फॉर्मूला लिख लिया, ये फॉर्मूले में एच की वैल्यू लिखो 6.625 इंटू 10^10 -34 जूल्स इंटू सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, 6.625 इंटू 10^10 -34 जूल्स इंटू सेकेंड, और साइड में लिख लेना प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू अब आगे से हमेशा याद होनी चाहिए विद यूनिट्स, क्योंकि क्वेश्चंस करने, रेडियस का फॉर्मूला निकाला है तो रेडियस भी कैलकुलेट करना ही है अपने, ठीक है। दूसरा लिखो पाई इक्वल्स टू 3.14, पाई इक्वल्स टू 3.14 या 22/7, क्या यूनिट होती पाई की, अनमोल, सेंटीमीटर, तेरा नाम क्या भाई सौरभ, क्या होती यूनिट पाई की, सेंटीमीटर ही होती है, सेंटीमीटर पाठक, तू मेरी तरफ तो सुन, पाई की यूनिट बता, वाजपेयी नहीं मालूम, प्रांजल, ऋषभ, सुजाता, नहीं मालूम कि नहीं होती, नहीं होती कि नहीं मालूम, अक्षदा, नहीं मालूम, कांस्टेंट है तो प्लैंक्स भी तो कांस्टेंट ही है ना, उसकी तो यूनिट है ना, जूई क्या क्या यूनिट पाई की, अरे मूर्खों बोल तो रहा हूं 22/7, 22 और 7 क्या है, नंबर्स है ना, उनकी कोई यूनिट होती क्या, तो पाई की कोई यूनिट होगी क्या, तो यार बहुत ही कलाकार हो, मतलब अब क्या मैथ्स भी पढ़ लो और फिजिक्स भी पढ़ लो, बचा क्या, एंगुलर मोमेंटम तो पढ़ा ही रहा हूं मैं बहुत देर से, देखो भैया डायमेंशनलेस, वो भगवान के लिए मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तू सेंटीमीटर बता ले, कुछ भी बता ले, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो 9.1 इंटू 10^10 -31 केजी, और जूल आ गया, केजी आ गया, मतलब मैं यूनिट सब किस में बता रहा हूं, एसआई सिस्टम में, लिख लेना ये सारी कहानी किस में चल रही है, एसआई सिस्टम में, और इस पूरे चैप्टर में मैं बार बार अब आगे बोलने जा रहा हूं किसकी बातें, सिस्टम की, सीजीएस सिस्टम अलग चलेगा, एमकेएस सिस्टम अलग चलेगा, एसआई सिस्टम अलग चलेगा, सीजीएस सिस्टम आएगा तो वही यूनिट जो है प्लैंक्स कांस्टेंट की बदल के अर्ग्स में आ जाएगी, और मैं ये चाहता हूं कि फिजिक्स का डायमेंशन आपकी बिल्कुल क्लियर हो, यूनिट्स बिल्कुल क्लियर हो और यूनिट्स के कन्वर्जन बिल्कुल क्लियर हो, तभी ये क्वेश्चन अपन करेंगे और आगे लाइट पढ़ेंगे, इसी में स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो लाइट पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे तो फिर उसकी वेलोसिटी पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे तो उसका इससे रिलेशन पढ़ेंगे। तो तुम्हें मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन में कोई ऐसे नहीं निपटा दे कि एक यूनिट दे दी एसआई सिस्टम में, एक यूनिट दे दी किस में, एमकेएस सिस्टम में, अब तुम दोनों को मिला के जोड़ रहा हो तो मुश्किल हो जाएगी, समझ गए, क्योंकि लीटर में कभी किलोमीटर जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए तुम ध्यान रखना लीटर में मीटर मत जोड़ना और मीटर में लीटर मत जोड़ना, यूनिट का बहुत खास ख्याल रखना। तो ये जो मैं वैल्यूज बता रहा हूं ये सारी किस में बता रहा हूं, एसआई सिस्टम में, क्योंकि मैं क्या ले रहा हूं, केजी ले रहा हूं, और उसमें क्या लिया मैंने, जूल्स इंटू सेकेंड प्लैंक्स कांस्टेंट में, ठीक है। तो 9.1 इंटू 10^10 -31 केजी, ये हो गया हमारे पास क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो 1.6 इंटू 10^10 -19 कूलम्स, 1.6 इंटू 10^10 -19 कूलम्स, के, के भी कांस्टेंट था, के ब्रैकेट में लिखना परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, के परमिटिविटी ऑफ द मीडियम वैल्यू लिखना 9 इंटू 10^9
9×10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर सी स्क्वायर न्यूटन एन कैपिटल एन इंटू मीटर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई? के की। अब तुम्हारे पास किस किस की वैल्यू है? एच की वैल्यू है 4 है, पाई की वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। सबको जब तुम एक वैल्यू बनाओगे तब तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो लिखो R इक्वल्स टू। और इसमें दूसरी बात, अगर मैं क्या ले लूं, चलो पहले तो ये लिख लो 0.529 R इक्वल्स टू 0.529 × 10⁻¹⁰ मीटर। वेन n इक्वल्स टू 1 रख दूं और z इक्वल्स टू 1 रख दूं, मतलब n की वैल्यू भी मैं रख दूं और z की वैल्यू भी मैं रख दूं, तो r की वैल्यू क्या आती है? r इक्वल्स टू 0.529 × 10⁻¹⁰ मीटर। अब मैं अगर z इक्वल्स टू 1 ले रहा हूं, मतलब मैं कौन से एलिमेंट की बात कर रहा हूं, कौन से एटम की? हाइड्रोजन की, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। और अगर मैं n इक्वल्स टू 1 ले रहा हूं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल की। तो हाइड्रोजन, अगर मैंने ये मान लिया कि ये हाइड्रोजन एटम है, तो इसमें z इक्वल्स टू क्या हो गया? 1, मतलब इसमें प्रोटॉन कितना है? 1, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 1, और पहला शेल है, तो इसका आर कितना आ गया? अगर n इक्वल्स टू 1 है तो इसकी रेडियस क्या बोल रहे हैं? 0.529 × 10⁻¹⁰ क्या? −10 मीटर। तो हम क्या निकालने में कामयाब हुए? हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल का रेडियस, हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल का रेडियस। मैं z इक्वल्स टू 2 रख दूं तो लिथियम कौन हो जाएगा? हीलियम। और हीलियम हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? हीलियम z इक्वल्स टू 2 रखूंगा तो हीलियम की फर्स्ट शेल या सेकेंड शेल कोई का, किसी का भी क्या निकाल सकता हूं? रेडियस निकाल सकता हूं। तो सबसे पहला अपन ने क्या काम किया? किसी भी शेल का क्या निकालना? रेडियस निकालना। दूसरी बात, 10⁻¹⁰ मीटर किसके बराबर होता है, कोई मुझे बताएगा? 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो मैं क्या इसको ऐसा भी लिख सकता हूं? 0.29 एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल का रेडियस एंगस्ट्रॉम में कितना हो गया? 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो ये मीटर में हो गया, ये किस में हो गया? एंगस्ट्रॉम में। अगर मैं लिखना चाहता हूं हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल का रेडियस किस में? सेंटीमीटर्स में, तो मैं इंटू क्या कर दूं?